धोनी क्या होता है, कोई बच्चे वाली औरत बैठी हो तो उसका बच्चा ही निकल जाएगा, बिल्कुल कोई विकास कार्य नहीं है यहाँ पे, सब खा जाते हैं पेट में डकार के कर रहा है। इसमें मंत्री संतरी सब यहीं पे रहते हैं, इसी रोड पे आना जाना रहता है उनका, लेकिन कोई वीआईपी आता है तो दूसरे रोड से ले जाते हैं, वीआईपी को दूसरे रोड से लिया जाता है। इस रोड पे दिखाई नहीं देते कि रोड कहाँ है, बल जाती है इतना छेदर मेरी गाड़ी बल चुकी इसके अंदर। हमने अब लगे 5 दिन पहले यहाँ पर एक कवरेज दिखाई थी, उस वक्त इतना दुर्दशा था यहाँ पर इस रोड का, अब क्या हाल है इसकी? अब कौन तो सुधर गया पर, लेकिन ये पहले ज्यादा था, अब गिट्टी वगैरह डाल दी है, दर्जे लग रही है। हमारे मंत्री महोदय के लिए क्या कहना चाहोगे, कैबिनेट मंत्री, दो दो सांसद और विधायकों के लिए? जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण करें, आज जो यही बनती है। बच्चा स्कूल गया दर्शकों, इसी रोड पर हमने लगभग 5 दिन पहले खबर दिखाने के बाद में मथुरा प्रशासन की कुछ तो आगे खुली, आग खुलने के बाद में यहाँ पर जो ये मार्ग है इस पर कुछ मिट्टी वगैरह डलवा दी है, जिससे कि कंक्रीट डलवा दी है, कुछ लोगों को राहत मिल चुकी है। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। भाई साहब आगे आइए, आप क्या नाम है भाई साहब का? अजय राजपूत। राजपूत जी कहाँ के रहने वाले हो आप? यही के इंद्रप्रस्थ के। इंद्रप्रस्थ के, यहाँ पे जो जल भराव है इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये बहुत बेकार सिस्टम है, ये सब कारों से इसका पानी आता है, इसमें पानी आता है, इसका सारा पानी इसी में आ रहा है रोड में, ये बार बार रोड टूट रही है, इसी के पानी में से टूट रही है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है? कुछ नहीं कर रहा है, इसमें मंत्री संतरी सब यहीं पे रहते हैं, इसी रोड पे आना जाना रहता है उनका, लेकिन कोई वीआईपी आता है तो दूसरे रोड से ले जाते हैं, वीआईपी को दूसरे रोड से लिया जाता है। इस रोड पे दिखाई नहीं देते कि रोड कहाँ है, कहाँ धोली पे हुआ है, कहाँ ये रोड है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये मेन रोड है जहाँ से सभी लोग निकलते हैं, और भी कुछ लोग मौजूद है, क्या कहोगे भाई साहब इस रोड के बारे में? ये रोड की हालत बहुत खस्ता है और प्रशासन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो मेन मुख्य मार्ग है मथुरा शहर को कनेक्टिविटी देने वाला, मथुरा में एंट्री करने का मेन मार्ग है, यहीं पे मथुरा स्टेशन 2 किलोमीटर है, और इधर से राजस्थान के लिए गाड़ी जाती है और इधर से आगरा के लिए भी गाड़ी जाती है। मथुरा में सभी लोग विधायक सांसद बीजेपी के होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पे विकास कार्य देखने को मिलता है आपको? बिल्कुल कोई विकास कार्य नहीं है यहाँ पे, सब खा जाते हैं पेट में डकार के खा जाते हैं। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहोगे आप भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, आए दिन इसमें ई रिक्शा टेम्पू गिरते रहते हैं, सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ चंदपुरी में सेंट पॉलिस स्कूल है, डेली आना जाना होता है और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही इस पे, सब विधायक और लक्ष्मी नारायण का इसी रास्ते में रोड है उसका, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी नहीं ध्यान देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। योगी सरकार कह रही है कि कैबिनेट मंत्री की जो मंत्रालय में मीटिंग हुई है, 10 अक्टूबर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त होनी चाहिए सड़कें, क्या हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, आप देख रहे हैं ना, आप कैसे हो पाएंगी, 6 महीने से तो ऐसा देख रहे हैं हम, 6 महीने से ऐसा ही देख रहे हैं, क्या कहोगे भाई साहब? सरकार को सख्ती करनी चाहिए उसके ऊपर। योगी जी कह रहे हैं 10 अक्टूबर तक समस्त उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, क्या हो पाएंगे? सरकार को कोशिश करनी चाहिए, हो पाएंगे 10 अक्टूबर तक, नहीं तो आगे तक हो पाएंगे। और मथुरा के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इसी रोड पर रहते हैं, और यह रोड की दुर्दशा को देख करके क्या कहोगे आप? लोगों को उनके घर का घेराव करना चाहिए, अब आपने उनको वोट दिया, उनको बिठाया, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है नागरिक के प्रति कि लोगों को परेशानी ना हो, जिससे मेन रोड होने के बावजूद 7 महीने से ये रोड बहुत खराब हो गई है, कई गाड़ियां इसमें पलटी हैं, कई चोटें लगी लोगों को, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पे जो स्थानीय आदिवासी है उनके अंदर आक्रोश पैदा है, एक टिर्री वाले मौजूद है, आप टिर्री चलाने जाते सब इस रोड पर क्या परेशानी महसूस होती है? इसमें बल जाती है, इतना छेदर मेरी गाड़ी बल चुकी है इसके अंदर। हमने अब लगे 5 दिन पहले यहाँ पर एक कवरेज दिखाई थी, उस वक्त इतना दुर्दशा था यहाँ पर इस रोड का, अब क्या हाल है इसकी? अब कौन तो सुधर गया पर, लेकिन ये पहले ज्यादा था, अब गिट्टी वगैरह डाल दी है, दर्जे लग रही है, कल इसमें कुछ राहत मिली आपको? लगी यार, सरकार से क्या कहना चाहोगे आप? रोड बन गया, क्या चाहिए हमारे को? रोड बन जाना चाहिए। जानते हैं भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? मथुरा के रहने वाले। मथुरा की स्थिति के बारे में क्या कहोगे आप? ये सड़क बहुत खराब, मथुरा शहर में सबसे ज्यादा यही सड़क खराब है, यही सड़क खराब है, सबसे ज्यादा यही सड़क खराब है, इतने गड्ढे हैं, धोनी क्या होता है, कोई बच्चे वाली औरत बैठी हो तो उसका बच्चा ही निकल जाएगा, डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा, अरे यही पे बच्चा हो जाएगा, ऐसा हाल है सड़क का।
हमारे मंत्री महोदय के लिए क्या कहना चाहोगे, कैबिनेट मंत्री, दो दो सांसद और विधायकों के लिए? सड़क का निर्माण करें, राज्यों की यही मंत्री है। बच्चा स्कूल जाते हो आप, तो कैसा लगता है इस रोड बनाने से आपको? बुरा लगता है, पानी में भीग जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी लगती है। देखा दर्शकों के यहाँ पर जो लोग हैं उनकी समस्या जो कि तू बनी हुई है, परंतु यहाँ पर जो समस्या है वो जटिल समस्या बनी हुई है। कुछ दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर खबर दिखाने के बाद में यहाँ पर तमाम गड्ढे थे, उस गड्ढों का कुछ निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु पता चले प्रशासन कब जग पाएगा, उस जगह पर चलते हैं लेकर। तो ये वही स्थान है, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर खबर दिखाने के बाद में मथुरा प्रशासन की आंख खुली, तो यहाँ पर कुछ मलवा या गिट्टी डलवा करके इस रोड का कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, परंतु जनता को वही समस्या बनी रहती है क्योंकि गड्ढा मुक्त रोड नहीं हो पा रही है। जिधर योगी सरकार का कहना है कि 10 अक्टूबर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी रोड गड्ढा मुक्त होने चाहिए, क्या मथुरा के अलावा अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और हमें अवगत कराएं कहां कहां पर कैसे कैसे रोडों में गड्ढे बने हुए हैं, जैसे कि प्रशासन तक की उनकी आवाज पहुंच सके आपकी आज, और योगी सरकार को भी पता चल पाए कि आपके नेता और आपके अधिकारी क्या जमीन स्तर पर कैसा काम कर रहे हैं। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPN न्यूज TV मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।